अलैकुम नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम टू माय YouTube चैनल जय मेहरान रिएक्शन इट्स मी योर होस्ट जय वसीम मेरे साथ है मेहरान नासिर नाज़रीन नोएडा कहते हैं जी कि ये भी आने वाले वक्त में एक जायंट टेक्निकल सिटी होगा इंडिया के अंदर और ये बहुत बड़ा कोई ना हैवी सीन बनाने लगा है। अब नोएडा के ऊपर हमने वैसे तो नोएडा को किया हुआ है लेकिन नोएडा किस तरह टेक्निकली बहुत ज़्यादा आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो तो हमें ये वीडियो बताएगी। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसका चैनल भी जो है वो भी सब्सक्राइब करना, लेकिन यार साथ साथ हमारे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है। तो फिर क्या करें, देखें चले जी नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली का है इसका मतलब, ये इन्होंने नोएडा इज समथिंग एल्स, ये शायद दिल्ली का है कुछ। नोएडा इज फेमस आल्सो फॉर इट्स एक्सीलेंट ट्री लाइंड रोड्स। हाँ लग भी रहा है यार, इतने अच्छे अच्छे पार्क्स फुल ऑफ ग्रीनरी यार। ड्रोन व्यूज बहुत कमाल के हैं। ये वो जो मेरे ख्याल में स्मार्ट सिटीज वो इंडिया बना रहा है ना, न्यू सिटी इन इंडिया विच इज द फर्स्ट ऑफ फर्स्ट टू टू। ओ माय गॉड अमेजिंग, ये सब तो अच्छा पॉइंट है। वन ऑफ द टॉप आउटसोर्स एंड हब्स इन द वर्ल्ड। हम तो दुबई को देख के कह रहे थे ये भी बड़ा कमाल का यार, इंडिया भी दुबई से आगे जाई जा रहा। देखो ना हर दुनिया के बड़े बड़े जितने भी नहीं है वो सारे यहाँ पे हैं, और डॉब का वो फजूटो ये जितने भी हम यूनिवर्सिटी में हमारे लैपटॉप नहीं पड़े हुए वो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं तो वो फजूटो के हैं। तुम्हारा लैपटॉप भी पुराने वाला है शायद, वही आता है तो जी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है जी। भाई मुझे कोई कहे ना इधर जाके रहना शुरू कर दो, मैंने रहना शुरू कर देना बड़ा कमाल। अभी ऐसी किसी जगह कोई और इंडिया किसी जगह मनाने का मैंने वहां जाकर, बट मुझे कोई कहे तो ना कहना किसी ने नहीं कहना। इंडिया वेलेस्ट सिटी इन टाइटल्स ओके। मुझे इधर कोई एक कनाल की कोठी बना दे, उन्होंने कहा चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। हां और मोदी जी के साथ वाला जो है ना अपार्टमेंट होना चाहिए। मैं रात को मोदी साहब को मिल वो तो गुजरात वाली तरफ ही रहते हैं कि वो भी नोएडा में रहते हैं। नहीं वो तो दिल्ली में रहते हैं ना आजकल कैपिटल में, उनका जो पीएम हाउस है उनका अपना घर है। ओए द बुड्ढा इंटरनेशनल सर्किट जो देखा है, ये क्या है यार, मुझे पता लगा ऐसा इंडिया में भी है। इंडिया ने भाई क्या क्या बना छोड़ा, कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगती जो इंडिया में ना हो सिवाय आईफिल टावर के या इस तरह की चीज़ें, वो भी उन्होंने बना ले। हाँ जो लैंडमार्क्स है ना डिफरेंट कंट्रीज़ के बड़े बड़े वो नहीं है, बाकी तो मेरे ख्याल में हर वो चीज़ जो आ सकती है जब गैलेक्सी ब्लू स्पायर प्लाजा। गैलेक्सी अपार्टमेंट तो नहीं है सलमान खान के, इंडिया एंड एशिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट जिसे मेरे ख्याल में GVRR एयरपोर्ट कहते हैं, जीवर या कुछ इस तरह का, वो भी उस पर भी हम देखते हैं क्या उसकी अपकमिंग चीज़ें चल रही हैं। दिस इज नोएडा, हाउस द नोएडा। मैं कुछ चीज़ छोड़ दो अच्छा, मैं ना देखो मुझे नहीं लगता कि मतलब इकट्ठे आज़ाद हुए बट से यार पाकिस्तान की आप देख लो एक सड़क के ऊपर आपको दो तीन बिल्डिंगें मिल जाएंगी, यहाँ तो पूरी बिल्डिंगों की भरमार है। भाई लग रहा है लेना। आप कह ही नहीं सकते हो कि आप मतलब किसी बाहर के मुल्क में नहीं हो, तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि इंडिया ही है मतलब इतना। और आप देखो कि 20 सालों में उन्होंने कैसे उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है,
इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त है, ऊपर से 50% से ज्यादा वहाँ फॉरेस्ट है। इजी नहीं लेना, इजी नहीं लेना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ इजी नहीं लेना। दिला दो भाई। एनी हो जी, कैसा लगा नोएडा लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, आईडी मेंशन फॉलो करना, सेशन देना। तब तक के लिए अपने मेजबानों को देना दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।